हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस मॉन के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा पुनरुत्थान वितरण योजना, जिससे संबंधित जो जानकारी है मैं आपको बताऊँगी। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह, जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर नोट्स लेने में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, यानी कि हम इसमें जानेंगे कि पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का उद्देश्य क्या है और यह जो योजना है यह क्यों शुरू की गई है। इस तरीके की हम आज चीज़ें जानेंगे। देखो, यह जो योजना है यह तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अब देखते हैं, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में 3,03,758 करोड़ रुपए में परिव्यय के साथ एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी जो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। क्या नाम है इस योजना का? पुनरुत्थान वितरण योजना। और आपसे कहा जाए किससे जुड़ी है, तो यह सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी हुई योजना है। इसका क्या नाम है? जिसका नाम है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। अब देखते हैं इसका जो उद्देश्य है वह क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य वित्तीय स्थिति और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना, यानी कि जो बिजली की आपूर्ति है इसकी पूर्ति करना और सामर्थ्य है इसमें क्या करना, सुधार करना। यह किसका है कार्य है? तो आपको याद रखना है यह इस योजना का कार्य है, जो कि वित्तीय स्थिरता और जो परिचालन रूप से क्या करेगी, यह एक कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं की बिजली जो आपूर्ति है उसमें गुणवत्ता करेगी। इसके साथ साथ विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो इस योजना की विशेषता, इसमें देखो यह एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है। किससे? सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी हुई योजना है। अगला देखते हैं, इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में डिस्कॉम को छोड़कर सभी डिस्कॉम पावर यानी कि पावर विभाग की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिति में सुधार करना। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है अभी कि परिचालन क्षमता और जो वित्तीय स्थिति है इसमें क्या करेगा, यह योजना सुधार करेगी। इस योजना की आपूर्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके लिए डिस्कॉम को सुशर्त वित्तीय सहायता क्या करेगा, यह वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान की कल्पना जो परिकल्पना है यह की गई है। यह वित्तीय सहायता पूर्व अर्हता मापदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यह जो योजना है, एक तो यह बिजली से रिलेटिव है, जो कि क्या करेगी, जो बिजली की गुणवत्ता है इसको क्या करेगी, बढ़ाएगी। सिर्फ इतना ही है। आगे देखेंगे इस योजना का परिव्यय यानी कि इसमें जो पैसा लगा है वह कितना लगा है। तो मैं आपको बताया 3,03,758 करोड़ इतने रुपये लगे हैं इसमें, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अनुमानित 97,631 करोड़ रुपए का GBS होगा। किसकी तरफ से? केंद्र सरकार की ओर से। आगे देखेंगे, योजना का कार्यान्वयन वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण के बजाय किसकी बजाय, देखो जो वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण की बजाय क्या होगा, इसके बजाय होगा प्रत्येक राज्य के लिए तैयार की गई कार्य योजना पर आधारित होगा, यानी कि ये जो योजना है इसके ऊपर सारी चीज़ें आधारित होगी। यह योजना 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी। कब तक? 2025-26 तक ही उपलब्ध रहेगी, आगे देखा जाएगा। योजना में कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए REC और PFC को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। कौन सी? नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युतीय वित्त निगम है। अगर आपको कहा जाए कि REC या PC तो यह क्या है, तो देखो विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम, इन दोनों को क्या करेंगे, यह नामित किया जाएगा।
आगे देखेंगे विभिन्न योजनाओं का समावेश। यह प्रस्तावित है कि निम्नलिखित योजनाओं के तहत वर्तमान में चल रही अनुमोदित परियोजना को सम्मिलित किया जाएगा। अब देखो एकीकृत विद्युत विकास योजना, यानी कि इनका कहने का मतलब है जब यह योजना शुरू होगी तो उसमें कौन कौन सी योजनाएं और मतलब कि किसके साथ इनको सम्मिलित किया जाएगा, कौन कौन सी जो योजना है इनको सम्मिलित किया जाएगा। देखो पहली एकीकृत विद्युत विकास योजना जिसे कि IPDS कहा जाता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिसे कि DDUGJY कहा जाता है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जिसे कि उदय कहा जाता है। इसके साथ साथ इन योजनाओं की धनराशि IPDS के तहत चिन्हित और DDUGAY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके लिए प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम यानी कि PMDP के तहत स्वीकृत चल रही परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। देखेंगे योजना का उद्देश्य, तो योजना का जो उद्देश्य है वर्ष 2024-25 तक AT&C हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम कर देगा। यानी कि जो हानियां हो रही है काई में AT&C की जो हानियां हो रही है यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर क्या करेगा, इसे कम कर देगा। कितना? 12-15% तक कम हो जाएगी। इसके साथ साथ 2024-25 तक ACS और AAR के अंतराल को भी कम कर दिया जाएगा। यानी कितना कम? तो करके शून्य किया जाएगा। कितना? शून्य किया जाएगा। आगे देखेंगे वित्त रूप से टिकाऊ और परिचालन के रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता विश्वसनीय और सामर्थ्यों में सुधार करना है। इसका जो प्रमुख बिंदु होगा यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें यह है कि इस योजनाओं में किसानों के लिए क्या होगा, बिजली की आपूर्ति में सुधार लाने और कृषि फीडरों को सौरकरण के माध्यम से उन्हें दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इस योजना में कौन सी योजना में पुनरुत्थान वितरण जो क्षेत्र योजना है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख बिंदु है वह क्या है, तो प्रमुख बिंदु क्या है, किसानों के लिए बिजली आपूर्ति में सुधार लाना और जो कृषि फील्डरों है इसको सौरकरण के माध्यम से क्या करना, बिजली उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा योजना और उत्थान महाभियान यानी कि PM कुसुम योजना के साथ काम करती है, जिसका उद्देश्य सभी फीडरों को सोलर लाइट है यह करना और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान कराना। यानी कि उसमें जो व्यक्ति कम काम कर रहे हैं इस ऊर्जा का जो योजना बनाई गई है इसके अंतर्गत, तो उसमें उससे क्या होगा कि लोगों को एक तो काम भी मिलेगा और उसके आय का जो क्या है अवसर प्रदान होगा। यानी कि कहने का मतलब ये काम करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आगे देखेंगे योजना का एक प्रमुख विशेषता प्रीपेड स्मार्ट जो मीटरिंग है इसके माध्यम से क्या होगा। देखो ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग क्या है, तो इसमें क्या होता है सार्वजनिक निजी जो साझेदारी होती है जिसे क्या कहा जाता है PPP मोड पे लागू करने के लिए उपभोक्ता सशक्तिकरण को समक्ष करना है। किसे? उपभोक्ता जो सशक्तिकरण है इसको समक्ष करना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसका, सार्वजनिक निजी जो साझेदारी है इसका। आगे देखेंगे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मासिक आधार के बजाय नियमित आधार पर अपनी बिजली की खपत की निगरानी करने की अनुमति देगा, जो उन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार उपलब्ध संस्थानों के संदर्भ में बिजली के उपयोग में मदद कर सकता है। अब देखो पहले चरण में दिसंबर 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव है। जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर होते हैं ना हमारे, जो लाइट के मीटर, वो लगाने का, ठीक है। कृषि कनेक्शनों के अलग अलग स्थिति और बस्तियों से उनकी दूरी को देखते हुए कृषि कनेक्शन को केवल फीडर मीटर के माध्यम से ही कवर किया जाएगा। जो फीडर मीटर है इसके जो दूर दूर जहाँ पे दूर जगह हो वहाँ पे क्या होगा, फीडर स्मार्ट जो मीटर है इसका ही इसे ही कवर किया जाएगा। मतलब कि जो सपोर्ट नहीं कर पाएगा ना, तो जो केवल जो फीडर मीटर है ना ये क्या होगा, जो दूर का एरिया है उसे भी क्या कवर कर पाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के समयबद्ध कार्यान्वयन के साथ साथ PPP मोड में संचार सुविधा के साथ फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी कि DT स्तर पर सिस्टम मीटरिंग करने का भी प्रस्ताव है। सिस्टम मीटर प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लाभ उठाया जाएगा।
शहरों क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण होगा, जिसमें सभी शहरों क्षेत्रों में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण और 100 शहरी केंद्रों में DMS होगा। ग्रामीण और शहरी और जो प्रणाली सुदृढ़ीकरण भी होगा। अब देखो विशेष जो राज्य होंगे इसमें वह कौन कौन से होंगे, तो सिक्किम के उत्तर पूर्वी राज्य, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप राज्य केंद्र शासित प्रदेश सहित जो सभी हैं यह क्या होंगे, यह सभी इसमें विशेषकर श्रेणी के राज्य होंगे। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था जिसका क्या नाम था, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, यह क्या है, इसके उद्देश्य, इसके जो प्रमुख बिंदु है, इसमें कौन कौन से राज्य आए हैं, ये सभी हमने कवर किया है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।